और आप सब जानते हैं सिर्फ कल पूरे जयपुर में बंद हुआ, पूरे देश में बंद हुआ, और बंद होने का कारण क्या है? चुनाव के वक्त राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान से कहा था संविधान खतरे में है, जाति और धर्म में टकराव पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। तब आगे बढ़कर उन्होंने कहा था तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगी में तिरंगा मेरी आन बान और शान है। तब बीजेपी के लोगों ने जब लोकसभा में चुनाव के बाद वो जीत गए, हमारी भी सीटें बहुत आई, राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता बन गए, तब बीजेपी के लोग एक ही बात कह रहे हैं, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं राहुल जी आपकी जाति क्या है? बीजेपी के लोगों, राहुल गांधी ने तो कह दिया तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगे मेरी जाति है, तिरंगे के मान और सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। और अभी क्या हुआ, दो दिन पहले पूरे देश में SP ST के लोगों ने बंद किया। क्यों किया? क्योंकि बीजेपी ने नया काम शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है क्या? हमने तो तब भी कहा था कांग्रेस के लोगों ने, ये ST ST में झगड़ा करवाएंगे, OBC में झगड़ा करवाएंगे, EWS में झगड़ा करवाएंगे, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, OBC हो, कोई भी हो, सबको बांटकर हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हैं। और सड़कों पर अब तक हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट रहे थे, जब पूरे देश के समझ में आ गई कि अब हिंदू और मुसलमान का झगड़ा बीजेपी वोट के लिए फैला रही है, अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो बीजेपी के लोगों ने ये नया काम शुरू कर दिया। और आप भी तय कर लेना, राजस्थान में जो सरकार चल रही है, राजस्थान की सरकार ने तय कर लिया कि गहलोत सरकार ने जो भी काम ढंग का किया है वो सारा काम बंद करके और बिजली के दाम दो बार बढ़ा दिए, आप सुन लेना, पानी के दाम बढ़ने वाले हैं, रिफाइनरी का काम बंद हो गया, चिरंजीव योजना बंद हो गई। कोई कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया वो जनता के लिए किया, ना तो कोई डोटासरा जी के घर के लिए काम हुआ था, ना कोई रामकेश जी हरीश जी के घर के लिए हुआ था, ना गहलोत साहब के घर के लिए हुआ था। आप मुझे ये बता दो, ये बेरोजगारी भत्ता हम देते थे, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, नौजवान की बात बंद हो गई, नौकरी देना बंद हो गया, अब तो एक ही काम हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को कह दिया गया है दिल्ली से, जो डोटासरा जी कहते हैं पर्ची सरकार है, रोज पर्ची आती है, और मुख्यमंत्री जी से कहते हैं पहले पूरे हिंदुस्तान की बजाय राजस्थान में घूमो, राजस्थान के जिले में जाओ, हेलीकॉप्टर लेकर घूमो और घूमकर अपना परिचय दो। मुख्यमंत्री जी आप परिचय दो, लेकिन आपकी सरकार में सिर्फ एक काम ईमानदारी से हो रहा है 7 महीने से, और वो काम है बेईमानी का, इसके अलावा कोई भी काम ईमानदारी से नहीं हो रहा। सब जगह इंस्पेक्टर राज है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अभी नया काम शुरू कर दिया, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लेकर आए HSR, हमारी सरकार की कांग्रेस की, उस वक्त भी HSRP का मामला चल रहा था, अब कह रहे जितनी भी गाड़ियां हैं उन पर HSRP नंबर प्लेट लगाओ, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, और यदि नहीं लगाओगे तो 2500 और 5000 रुपए का चालान होगा। हिंदुस्तान की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने एक आदमी को बड़ा टेंडर दे दिया पूरे हिंदुस्तान का, वो पहले से हमारे टाइम से, हमारे टाइम पर राजस्थान में एक एक दुकान वाले को अधिकार था HSRP की प्लेट बनाने का, अब वो सारे अधिकार खत्म कर दिए और एक आदमी को पूरा अधिकार दे दिया कि इसी से आपको नंबर प्लेट बनानी पड़ेगी। आप मुझे ये बता दो, आदमी नंबर प्लेट बनाने के लिए 5000 रुपए का चालान करवाएगा तो उसका काम कैसे चलेगा? बिजली बोर्ड वालों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, अभी जल निगम बना है, आप देख लेना पानी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। और आप सबको एक और बात बता रहा हूं, अभी बड़ा टेंडर हुआ 10,000 करोड़, ये स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं बिजली का, और वो गहलोत साहब के टाइम पर भी
करने की बात आई थी तब कैबिनेट ने मना कर दिया, साहब ये मत लाओ स्मार्ट मीटर, ये हवा से ही चलता है, जनता बर्बाद हो जाएगी। दो बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 10,000 बिजली 10,000 करोड़ बर्बाद कर रही है राजस्थान की सरकार। बड़ा घोटाला है, 15% पैसा भारत सरकार देगी, 85% पैसा राजस्थान की सरकार देगी। और ये स्मार्ट मीटर लेकर आए तो सुन लेना, राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन घोटाले का स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देगा किसी भी कीमत पर। और ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, नहीं तो राजस्थान की जनता पिस जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और कहा था कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की कोई योजना बंद नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी, सारी योजनाएं बंद हो गई, आपका वादा फेल हो गया। ना तो कोई जयपुर में सुनने वाला है, ना कोई जयपुर के बाहर सुनने वाला है। हालात बहुत खराब है और ये तय कर लेना, इनकी मनमानी चल रही है। राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा में जगह नहीं मिली, पंजाब से आप लेकर आए और वो भी हमारे छोड़कर जो नेता गए उनको लेकर आए। राजस्थान में भी किसान के बेटे हैं, बीजेपी के नेता है, सब लोग हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। आप इतनी बड़ी तादाद में आप धरना देने के लिए ईडी कार्यालय पर आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। मैं आपको भरोसा देता हूं, हम राजधानी जयपुर में हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने धोखा किया, राजधानी में हम चुनाव हार गए, पार्लियामेंट हम चुनाव हार गए विधानसभाओं के, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं हमसे ज्यादा मेहनत पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए बीजेपी वाले कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रखा है। ना तो बीजेपी वाले जयपुर में एक सीट जीतने वाले हैं, ना राजस्थान में जीतने वाले हैं। जब भी चुनाव होगा, पहली बार देखा है मैंने कोई सरकार 7 महीने में फेल हो गई। मुझे भरोसा है जितने भी कांग्रेस के साथी आए वो सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह डोटासरा जी जब भी आह्वान करेंगे सब मिलकर लड़ेंगे। जयपुर के अध्यक्ष आर आर तिवारी जी और गोपाल मीणा जी भी बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं और तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन आह्वान करेगा हार पार का संघर्ष होगा। बीजेपी को सड़कों पर निकलने नहीं देंगे, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार जो शेर का काम करता है, अब उसके शेर का पैसा हिडन फंड ने साफ कर दिया, आपने दम है प्रधानमंत्री जी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से आप जांच करा लो। मैं गारंटी से कह रहा हूं घोटाला हुआ है और इतना बड़ा घोटाला है कि ये देश के 20 करोड़ नौजवानों का पैसा जो शेर का काम करते हैं घर घर में वो अडानी के खाते में गया है। और देश की बर्बादी का कारण यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जब सेबी की चीफ और चीफ के हस्बैंड अडानी के पार्टनर बन जाएंगे तो देश को कोई नहीं बचा सकता। हम सब मिलकर लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं किसी भी कार्यकर्ता को ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। जयपुर और तमाम राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, यदि बीजेपी का कोई भी नेता, पुलिस अधिकारी या बीजेपी का कोई भी नेता हमारे कार्यकर्ता पर जुल्म करेगा तो तमाम कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा होकर ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन आप पर जुल्म नहीं होने, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी ताकत है और कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हम लड़ेंगे मरेंगे। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं जो इस धरने में शामिल हुए, मिलकर आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।